Assalamu alaikum everyone, this is me Farina and you're watching my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को मेरा कल वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा, आई नो तभी मुझे उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया यार, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और बहुत सारी दुआएं भी देना। यार आज का सीन कुछ इतना खास नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अभी जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले ही अपने पूरा दिन का फुआरी करके अपने ऑफिस से मैं अभी घर आई। तो सिचुएशन पता है यार कुछ ऐसी बन गई थी कि आज जो है वो जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट की कुछ खबर थी। छुट्टी तो मेरी पहले से हो गई थी लेकिन ये क्या था, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है ना रश ऑफिस वगैरह का और ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा कम हो जाए ना, उसके बाद मैं निकलूंगी। तो जब मैं 6 बजे एज यूजुअल अपने ऑफिस से निकली तो रोड इतने खाली पड़े हुए थे, मतलब यूजुअली मैं ऑफिस से जो मेरे घर तक का डिस्टेंस है 45 मिनट का है, लेकिन अगर उसमें ट्रैफिक होता है तो वो यार 1.5 घंटे का बन जाता है। बट आज इतना रोडों पे सन्नाटा था, ट्रैफिक नहीं थी, यूजुअली मुझे पता है आवाम जो है वो पहले से निकल गई थी। तो आज जो है वो रश बनस्बत दूसरे दिनों से और दूसरे अमूमन आफ्टर वर्किंग आवर्स से बहुत कम था। तो यार सीन जिस तरीके से अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी और मुझे इतने शरीर भूख लगी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो चलो पहले मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ कि मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। लेट्स गो। मैं जो है वो कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी है मैंने और मैं कमरे से बाहर निकल रही हूँ ये चेक करने के लिए कि पहले मम्मा ने क्या बनाया। पहले मैं जा रही हूँ किचन में और ये देखें कल जो आप लोगों ने ब्लॉग में देखी वो साइकिल ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई है। साइकिल नहीं आ रही, मतलब छोटी गाड़ी है ये और ये मेरा मिल्कू। बेसिकली जो है ना मिल्कू कल से भूखा है, मतलब भूखा नहीं है, रोटियाँ वोटियाँ ऐसे खा रहा है लेकिन भूखा है क्योंकि इसका जो मनपसंद खाना है ना वो इसको मिला नहीं है। तो मैंने अभी जो है रघव कॉल किया, मैंने रघव को बोला कि यार जो पंजे शॉप से खाते हैं ना मुर्गी के मतलब वो लेकर आना, और अगर तुम्हें मुर्गी के पंजे ना मिले तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ी सी कलेजी लेके आना। तो ये बेचारा जो है वो अभी वेट कर रहा है पंजों का। और मैं आप लोग को आज अपने कुक्कूस भी दिखाती हूँ क्योंकि मोस्टली जो अपने ब्लॉग्स में ना कुक्कूस को नहीं लेती हूँ, तो मैं आज आप लोग को अपने कुक्कूस भी दिखाती हूँ। ये है मेरे कुक्कूस और ये है बड़ा वाला मुर्गा। ये ना बड़ा ज़ोर से मारता है, ये बहुत ज़ोर से मारता है। इन लोगों की जो है ना मुझसे लड़ाई भी रहती है। यार आपको बंद कर दिया मैंने। कौन आया है? ये पप्पो का शहजादा आ गया है। आओ हसन। लो भाई हसन का मूड ही नहीं है मेरे पास। हसन कम हियर, हसन हसन कम हियर। आ रही है पप्पो पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे आ रही है पप्पो आ रही है, पीछे पीछे आ रही है। हसन खाने में क्या बनाया है? हसन खाने में क्या बनाया? पप्पो जो है ना हसन के लिए बिस्किट लेकर आई थी और शरबत बतूल के लिए भी बिस्किट लेकर आई थी। तो हसन ने क्या किया, उसमें से जो है हसन ने रैबिट की तरह अपने जो छोटे छोटे 3 दांत है ना उससे हसन ने थोड़ा थोड़ा बिस्किट चबा लिया और बाकी जो सिलाबदू का बिस्किट था वो मैंने रख दिया सुबह लंच के लिए। तो हसन जो है मुझे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे कि खाने में क्या है। तो यार मुझे लगता है मुझे किचन में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि किचन में खाने में क्या है। बता रहे हो नहीं बता रहे हो? लो मामा 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 बताएगी खाने में क्या है। हसन हसन मैं मामा को आवाज दे रहा है, इधर आओ खाने में क्या है बताओ, लेने चले। हसन हसन मैं चलिए यार पहले मैं किचन में चलती हूँ, किचन में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे जो भूख लग रही है मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। टमाटर शमाटर पड़े हुए हैं, ग्लास व्लास सारी चीज़ें पड़ी हुई, मुझे लग रहा है कि दाल चावल बने। ये मैंने अभी थोड़ा सा दाल चावल लग रहे हैं मुझे कि दाल बन रही है। लेट्स सी। हाँ ये देखिए कुकर में जो है वो दाल बन रही है और इसके साथ बन रहे हैं चावल। चावल बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई है और पता नहीं सिला बतूल कहाँ है, बहुत देर से उसको ढूंढ रही हूँ मैं आई थिंक, क्योंकि कुछ लोग अभी सो भी रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे घर में मगरिब से पहले जो है एक सोने की रूटीन है जिसमें सिला बतूल भी जो है वो दिन में आती है 12:30 बजे अराउंड आ जाती है। 12:30 बजे के बाद जो है वो खाना खाती है, थोड़ा खेलती कूदती है, फिर सो जाती है। क्योंकि यार जब से स्कूल लगी है ना उसका जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठने का ना सीन ऑन हुआ है, तो वैसे इतना परेशान नहीं करती लेकिन यूजुअली सही तरीके से उठ जाती है। सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, उसका जो है वो लंच बॉक्स और पानी की बॉटल मैं रेडी कर लेती हूँ
और उसके बाद फिर जो है कोई रजा हो गया या कोई भी महीनों में से स्कूल छोड़ कर आ जाता है। किसी दिन वो रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। तो यार मैं पहले सिलावर्धन को ढूंढ रही हूँ और अगर हसन को पता नहीं कहाँ चला गया। हसन कहाँ चुक गया? बाहर कहाँ चला गया? कहाँ है हसन? पूरे घर में ढूंढ लिया। यहाँ कहाँ पे? ये देखिए ये हमारी सिला बतूल। सिला बतूल आप मेरे सब व्लॉग नहीं शूट करा रही? पर अभी मैंने आपसे बोला था कि मोबाइल दे दे, खाना खाने के बाद मिलता है मोबाइल। थोड़ी देर में दे दूंगा। कितनी गलत बात है ना, कितनी गलत बात है। अच्छा और गाइस मैं ढूंढ रही थी हसन को और आप सोचे कि मुझे हसन कहाँ मिला है, क्योंकि सुबह की लाइट बंद है। आप लोगों को यहाँ पे लाइट तो नजर आएगी। मैं दिखाती हूँ हसन तो खड़े हुए कहाँ। ये देखिए हसन, ये देखिए कहाँ खड़े हुए हसन। हसन इधर आए हसन। अच्छा अच्छी बात है ना कि यहाँ से नजर आता है सारा। तो हसन साहब जो है वो यहाँ पर खड़े हुए बाहर के नज़ारे कर रहे हैं और मैं हसन साहब को पूरे घर में ढूंढ के आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है। हसन आओ चले पापा के साथ चले, आ जाओ चलो आओ आओ। नहीं भाई आजकल तो नो लिफ्ट है भाई, आजकल जो है वो हसन नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है। बन रहा है चावल की तैयारी और मम्मी बना रही है चावल और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है ना, मैंने पहले से ही खाना शुरू कर दिया है। कितनी देर लगेगी? मुझे टेस्ट के लिए जाना था, ब्लड टेस्ट कराने, मुझे खाने पर लगा दिया। इस वक्त आपको ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है? अभी वाली जो डॉल है ना उस वक्त बंद हो गई होगी, तो बेहतर है कि आप सुबह में ले नहीं रही हूँ तो आएगा नहीं फिर। सही मामा की तबीयत ना दो चार दिन से यार सही नहीं है, बुखार चल रहा है और मलेरिया के सिम्टम्स भी। और पता है वेदर भी अचानक से ऐसा वाला है कि ना तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी से छोड़ ही दो, हक से सफोकेशन है, गर्मी है, स्वेटिंग है बहुत ज़्यादा। तो जो मतलब स्टिकी स्टिकी इन्वायरमेंट होता है ना, खा लिया था सलीम से, थोड़ा चल रही हूँ मैं, आज इंशाल्लाह फिर खाऊंगी एक। अच्छा मम्मी का ना क्या टोटका होता है, जैसे जब आपको शिवलिंग होती है ना तो मलेरिया के सिम्टम्स अगर आपको फील होते हैं तो मम्मा का जो है वो एक टोटका होता है। आपने ना एक लेमन लेना है, उसको हाफ कट करना है और उसमें जो है ना आपको दोनों को मतलब एक लेमन को आपने दो साइज में कट करना है सेंटर से, उसके सेंटर से बीज आपने निकाल देना है और कोई भी नोकीली छुरी या फोर्क लेके आपने पहले उसको मतलब नमक वगैरह करके आपने लीमू के अंदर ना वो कर लेना है, सुराख कर लेना पहले। अच्छा पहले ब्लैक पेपर डालना है आपने उसमें लेमन में और सॉल्ट डालना है, ब्लैक सॉल्ट डालना है, ब्लैक सॉल्ट डालना है, हाँ ब्लैक सॉल्ट डालना है। उसको गूंदना है, गूंदना नहीं गूंदना, मतलब उसको आपने बिल्कुल सेंटर में लेमन के अंदर करना है और जब वो अच्छी तरीके से उसका रस निकलना शुरू हो जाएगा फिर आपने क्या करना है उसको जो है वो चटखारे लेने के खाना, जो गला खराब होता है जिसको टॉन्सिल्स होता है। अच्छा बुखार में ये तो क्योंकि बुखार में तो वैसे ही आपका जो मुँह का टेस्ट है ना वो अल्लाह ही हाफिज़ हुआ होता है, तो आपने उसको जो है ना अच्छी तरीके से खाना है और उसको आपने और जब आपका ख़त्म हो जाए वो लीजिए तो आप उसको छिलका भी चबा लेना। मतलब इतना खाना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मुझे फीवर हो रहा था तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि यार ऐसे करके खा लो, बट मैंने बोला नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, तो हमने जो है उसका जाने दिया। तो ये था वहाँ का टोटका उन लोगों के लिए जिनको मलेरिया के सिम्टम्स हैं, जिनको सर्दी लग रही है बुखार में क्योंकि वायरल हो रहा है, मौसम अजीब हो रहा है, सेप्टेम्बर आ गया। आप लोग जो है ना टेस्ट करवाएं, अगर टेस्ट आप लोग के बहुत जरूरी है आपको फिट रखने के लिए, अपना कौन कौन सा सेट कह रही है, कौन कौन सा टेस्ट है? सीबीसी कराएं अपना, अगर आपको बुखार नहीं उतर रहा, अगर आपको शिवरिंग महसूस हो रही है, अगर आपको ठंड महसूस हो रही है सीबीसी कराएं और एमपी मलेरिया कराएं अपना, ताकि जो है वो आपको पता चले कि आपको मलेरिया के सिम्टम्स हैं या नहीं हुआ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि यार वेदर है अजीब है होता रहता है, तो हर चीज़ का ख्याल बहुत जरूरी। यहाँ पे लाल हो चुकी है और अब बारी है पानी डालने की, तो मम्मा डाल रही है पानी। ये आ गया गिलास और ये मम्मा पानी डाल रही है।
अब इसमें जो है वो चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद फिर ये पके हुए ऐसे खाएंगे। गाइस मामा ने चावल भी डाल दिए हैं और अब इसमें चावल का जब पानी ख़त्म हो जाएगा फिर ये दम पे रखे जाएंगे और फिर निकल के आएगी चावलों की बहुत प्यारी सी शक्ल। गिर गए, चलो जल्दी से गाड़ी बैठ के दिखाओ उसको। हसन गाड़ी बैठ के दिखाएं। लाओ मुझे दे दो। हुई हुई दे दो दिश। दिश। चलिए जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अब मैं हसन के साथ खेलने लगी हूँ, खाना वाना खाऊंगी और फ्रेश होंगी, नमाज पढ़ूंगी क्योंकि इशा की नमाज का टाइम हो चुका है। और आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। और ये हसन साहब जो है चढ़ रहे हैं, जिस दिन यहाँ से गिर के चोट लगेंगी ना लग पता जाएगा। सही बात है ना, लग पता जाएगा, जो एक्टिंग है ना सारी निकल जाएगी। ये देखें हरकतें चेक करें इसकी, वाह भाई वाह क्या स्टाइल है बैठने का। चलो गाड़ी चला के दिखाओ, बस गुस्से ही खत्म। ओके गाइस तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मिलूंगी आपसे अगले किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे इजाज़त और हाफिज़।